कोई है आप में से जो अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन कर सके? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है क्या? तीन तरह के ईएमएफ या करंट हो गए, उसमें से दो ईएमएफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वो ईएमएफ जो आपको एक सेल से मिलता है, बैटरी से मिलता है। इस ईएमएफ की डायरेक्शन आपने पहले भी किया था डिस्कस, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये ईएमएफ की डायरेक्शन है यहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, और यहाँ करंट हुई आई, आई करंट यहाँ एस्टेब्लिश हो गई। तो अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में इस ईएमएफ को ड्रॉ करें, ईएमएफ ई, तो टाइम के साथ साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। स्विच ऑन करते ही, कनेक्शन पूरा करते ही, जो भी आपका ईएमएफ था, 5 सेकंड बाद भी, 10 सेकंड बाद भी, 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी, जब तक सेल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता पूरा, तब तक ये ईएमएफ कॉन्स्टेंट बना रहेगा। और यहां अगर आप करंट को मेजर करना चाहोगे, तो करंट 0 से 1 सर्टेन लेवल तक बढ़ती है, और बहुत जल्द ये करंट भी क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। बहुत विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कितना टाइम में जा करके मैक्सिमम हो जाएगी, ये डिपेंड करता है सर्किट के नेचर पर, इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ और कितना इसका इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगी एक्चुअली। अगर यहाँ कॉयल है तो काफी टाइम लेगी इस्टेब्लिश होने में, क्योंकि वो सेल्फ इंडक्शन के कारण अपोज करता है करंट के ग्रो को। और अगर इसका पूरे सर्किट का कुल मिलाकर इंडक्शन कम है, सेल्फ इंडक्शन, तो बहुत जल्दी ही ये करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना तो ईएमएफ में कोई चेंज आना, ना करंट में कोई चेंज आना। इस तरह का ईएमएफ और इस तरह का करंट कहलाएगा स्टडी, स्टडी ईएमएफ या स्टडी करंट, ठीक है। लेकिन अभी आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया जो एसी जनरेटर से मिलने वाला, एसी जनरेटर से मिलने वाला ईएमएफ है, ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है। अगर हम अपने अपने घर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो जिस जनरेटर से वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, 1/50 सेकंड में ये पूरा काम हो जाता है। जिस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसके अंदर लगी हुई कॉइल को पूरा एक टर्न लेने में 1/50 सेकंड का टाइम लगता है। 1 सेकंड में इस तरह के 50 टर्न ले लेती है। तो यहां टाइम पीरियड कुल मिलाकर कितना है, 1/50 सेकंड। लेकिन इस 1/50 सेकंड के लिए, इस 1/50 सेकंड के लिए क्या 1/50 का 1/4, यानी कि 1/200 सेकंड के लिए ईएमएफ बढ़ता है, फिर अनदर नेक्स्ट 1/200 सेकंड के लिए करंट ईएमएफ डिक्रीज होता है, फिर अनदर 1/200 सेकंड के लिए ईएमएफ की डायरेक्शन बदल गई। ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे बदल गई, कुछ ऐसे समझ लो कि इस सेल को उल्टा करके लगा दिया, ईएमएफ की डायरेक्शन बदल गई। कितने टाइम के बाद में बदल गई, 1/100 सेकंड में बदल गई। 1/200 सेकंड के लिए कर ईएमएफ इंक्रीज हुआ, फिर अनदर 1/ आगे के 1/200 सेकंड में ईएमएफ डिक्रीज होकर जीरो हो गया, फिर ईएमएफ की डायरेक्शन बदल गई, और फिर ईएमएफ 1/200 सेकंड के लिए बढ़ा, और फिर अनदर 1/200 सेकंड में घट करके वापस जीरो हो गया। 1/200 सेकंड, 1/200 सेकंड, 1/200 सेकंड, 1/200 सेकंड, चारों टाइम को जोड़ दोगे तो 4/200, 1/50 सेकंड हो गया। ये नॉर्मल एसी की बात है जो हमारे घर पर आ रही है, हालांकि फिक्स नहीं है। नहीं, घर पर आने वाली एसी की तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेकिन आप चाहें तो स्पेशल पर्पस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी एसी भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार एक पूरी साइकिल, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से ईएमएफ को मैक्सिमम तक जाना, फिर
फिर जीरो वापस आना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम बढ़ना और फिर वापस जीरो हो जाना। ये पूरा प्रोसेस घटने बढ़ने का, ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, लेकिन वर्ड यूज करना पड़ेगा पीरियोडिकली। अगर ये वेरिएशन पीरियोडिक नहीं है तो फिर वो एसी तो कही जाएगी, लेकिन वो फिलहाल हमारे स्कोप के बाहर है, फिलहाल वो स्कोप के बाहर है। जब आप अपने व्हाट्सएप पर कोई ऑडियो मैसेज सुनते हैं तब वो लहरें सी बन, बन बनती हैं, चलती हैं, वो जो वेव्स हैं वो लहर हैं, वो उस ऑडियो प्ले करने में ईएमएफ या करंट का वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो वेरिएशन पीरियडिक नहीं है, पीरियडिक नहीं है वो वेरिएशन, ना उनके एम्पलीट्यूड सेम रहते, जितना निगेटिव जाना उतना पॉजिटिव हो सकता है, जाए ना जाए। तो वो भी है ऐसी, लेकिन वो फिलहाल हमारे स्कोप के बाहर है। हम क्या कह रहे हैं, हम पीरियडिक की बात कर रहे हैं। द ईएमएफ दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसी के साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ रहे बात, हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। द ईएमएफ और स्लैश लगाकर लिख लीजिए करंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ स्लैश करंट। द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ ईएमएफ स्लैश करंट फ्रॉम जीरो टू इट्स पीक वैल्यू एंड देन फॉल फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू जीरो इन वन डायरेक्शन एंड देन अगेन राइज फ्रॉम जीरो टू इट्स पीक वैल्यू एंड फॉल फ्रॉम पीक वैल्यू टू जीरो इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ स्लैश करंट। द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी एंड द नंबर ऑफ सच प्रोसेसेस एंड द नंबर ऑफ सच प्रोसेसेस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ एसी जनरेटर।